प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ संस्कार बहुत ज़रूरी रहता है और आयुर्वेदा में इसे बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। पहले फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट ट्राइमेस्टर, पहले 3 महीने और लास्ट 3 महीने बहुत ज़रूरी रहता है। पहले 3 महीने केसर बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। आयुर्वेदा में केसर कहा गया है कि उसकी तासीर थोड़ी गर्म रहती है। 3 महीने के बाद आपको ये दूध में मिलाकर ज़रूर खाना चाहिए, पीना चाहिए, जिससे कि आपके बच्चे की स्किन और कलर बहुत अच्छा हो जाता है। नारियल पानी पहले 3 महीने बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इससे एमनियोटिक फ्लूइड थोड़ा बढ़ने की शक्यता रहती है, यानी गर्भाशय में पेट का पानी थोड़ा बढ़ जाता है। 3 महीने के बाद आपको 9 मंथ तक नारियल पानी पी सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपको पाइनएप्पल और पपई बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा गर्म पड़ता है तो एबॉर्शन के चांसेस रहते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान ओंकार का जाप आपको जरूर करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नामावली करके एक छोटी सी किताब आता है, या फिर यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल रहती है। वो कंटिन्यूसली आपको सुनना चाहिए और उसके पीछे आपको बोलना चाहिए, जिससे कि विष्णु के उसमें सहस्त्र नाम 100 नाम दिए जाते हैं, जिससे वो बच्चे में सारे गुण उतरते हैं। वैसे ही एक आदित्य रुद्रम स्तोत्रम करके एक छोटी सी किताब आती है, या फिर यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल रहता है। इसको आपको डेली सुनना चाहिए। उसमें आदित्य के 100 नाम दिए हैं और उसकी जो 100 गुण हैं सूरज भगवान के, वो सारे के सारे गुण आपके आने वाले बच्चे में उतरता है। बच्चा ओजस्वी तेजस्वी आता है और 100 साल जीने वाला आता है। इम्यून पावर ऐसे बच्चों की बहुत अच्छी रहती है और फिजिकली मेंटली हेल्दी बच्चे आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान रक्त मोशन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बच्चे को एबॉर्शन से और ब्लीडिंग से बचाने के लिए पुसोमन विधि हर पुष्य नक्षत्रों पे दी जाती है, वो 9 मंथ तक आपको जरूर लेना चाहिए। जिन प्रेशर